जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी से एक साधक ने प्रश्न किया, शास्त्रों में तथा संतों ने कहा है कि अमुक संख्या में नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है? स्वामी जी उत्तर में कहते हैं, हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कली संतरणों उपनिषद में आया है। राम नाम का 13 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा समर्थ रामदास बाबा ने दास बोध नामक ग्रंथ में लिखा है। परंतु नाम में भगवान में श्रद्धा विश्वास और प्रेम अधिक हो तो इतनी संख्या से पहले भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। साधक का प्रश्न, न कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, कलयुग में यज्ञ आदि शुभ कर्मों का सांगोपांग होना बहुत कठिन है, उनके विधि विधान को ठीक तरह से जानने वाले पुरुष भी बहुत कम रह गए हैं, तथा शुद्ध गौ माता का घी आदि सामग्री मिलने भी कठिन हो रही है। अतः कलयुग में शुभ कर्मों का अनुष्ठान सांगोपांग न होने से, उसमें विधि विधान की कमी रहने से कर्ता को दोष लगता है। वैदिक भक्ति विधि विधान से की जाती है, उसमें किस इष्ट देव का किस विधि से पूजा पाठ होना चाहिए इसको जानने वाले बहुत कम हैं, अतः वह भक्ति करना भी इस कलयुग में कठिन है। ज्ञान मार्ग कठिन है और ज्ञान मार्ग की साधना बताने वाले अनुभवी पुरुषों का मिलना भी कठिन है, अतः विवेक मार्ग में चलना कलयुग में बहुत कठिन है। तात्पर्य है कि इस कलयुग में कर्म भक्ति ज्ञान इन तीनों का होना बहुत कठिन है, पर भगवान का नाम लेना कठिन नहीं है। भगवान का नाम सभी ले सकते हैं क्योंकि उसमें कोई विधि विधान नहीं है, उसको बालक स्त्री पुरुष वृद्ध रोगी आदि सभी ले सकते हैं और हर समय हर परिस्थिति में हर अवस्था में ले सकते हैं। नाम एक संबोधन है, पुकार है, इसमें आर्थ भाव की ही मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं है। अतः भगवान का नाम लेकर हर एक मनुष्य आर्त भाव से भगवान को पुकार सकता है। साधक ने शंका की, नाम जप में मन नहीं लगता और मन लगे बिना नाम जप करने में कुछ फायदा नहीं। कहा भी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। स्वामी जी कहते हैं, मन नहीं लगेगा नाम जप में तो सुमिरन नहीं होगा, यह बात सच्ची है, पर नाम जप नहीं होगा यह बात दोहे में नहीं कही गई है। मन नहीं लगने से सुमिरन नहीं होगा तो नहीं सही, पर नाम जप तो हो ही जाएगा, नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अतः मन लगे चाहे ना लगे, मन लगे चाहे ना लगे, नाम जप करते रहना चाहिए। जब मन लगेगा तब नाम जप करेंगे ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर हम नाम जप करने लग जाएं तो मन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि मन का लगना नाम जप का परिणाम है। साधक ने प्रश्न किया, शास्त्रों में आता है कि जो नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी नाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि यह नाम अपराध है। फिर भी गौरांग महाप्रभु आदि ने नाम पर श्रद्धा न रखने वालों को भी नाम क्यों सुनाया? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुख से भी नहीं लेना चाहता, नाम का तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए, यह विधि है, शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी संत महापुरुष दया करके उसको नाम सुना देते हैं, उनकी दया में विधि निषेध लागू नहीं होता, विधि निषेध कर्म में लागू होता है,
और दया कर्म से अतीत है। दया अहेतु की होती है, हेतु के बिना की जाती है। जैसे कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष अपनी सामर्थ्य से दूसरे को चीज दे देता है, तो यह चीज लेने वाले के पूर्व कर्म का फल नहीं है, यह तो उस संत महापुरुष की दया है। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु आदि संतों ने दया परवश होकर दुष्ट पापी व्यक्तियों को भी भगवान का नाम सुनाया। साधक का प्रश्न, अगर मरणासन पशु पक्षी आदि को भगवान नाम सुनाया जाए तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं, पशु पक्षी आदि भगवान नाम के प्रभाव को नहीं समझते और अपने आप प्रभाव आ जाए तो उसका विरोध भी नहीं करते। वे नाम की निंदा तिरस्कार नहीं करते, नाम से घृणा नहीं करते, अतः उनको मरणासन अवस्था में नाम सुनाया जाए तो उन पर नाम का प्रभाव काम करता है, अर्थात नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। साधक ने प्रश्न किया, अंत समय में कोई अपने पुत्र आदि के रूप में भी नारायण वासुदेव आदि नाम लेता है तो उसको भगवान अपना ही नाम मान लेते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने विशेष छूट दी है कि अगर मनुष्य अंत समय में किसी बहाने से भी भगवान का नाम ले ले, उनको याद कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और उस जीव ने मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सार्थक होगा, परंतु वह अपना कल्याण किए बिना ही मनुष्य शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसलिए भगवान उसको मौका देते हैं कि अब आते जाते तू किसी भी बहाने से मेरा नाम ले ले, मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे अंत समय में भयानक यमदूत दिखने पर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो भगवान ने उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने चार पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। तात्पर्य है, मनुष्य को दिन रात खाते पीते सोते जगते चलते फिरते सब समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के।